25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया गया था। अब राहुल गांधी बार बार बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते थकते नहीं हैं। इसीलिए 25 जून को कांग्रेस की गलतियों को याद दिलाने के लिए बीजेपी काला दिवस मनाती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि पार्टी आपातकाल लगाने के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आप सबको ध्यान में है कि से आपातकाल लागू किया था, उसमें श्रीमती गांधी जी तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के अपोजिशन के जो लीडर है वो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते और पिछले चुनाव में भी इस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, संविधान को जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे कर दी तो कांग्रेस पार्टी ने की और उनके दादी दादी कह के हमको दादी कह सकते हैं कि प्रकाश उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया और इमरजेंसी लगाए और इमरजेंसी के बाद मीडिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए। यदि कोई भी स्वतंत्रता नहीं, सारे नेता जो आवाज उठाते थे विरोध में उन सबको जेल में डाल, जो आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये जो 25 जून की जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा काला दिवस। फिर आप सबको ध्यान में है उसके लिए भी काफी टीम बनी है जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का तीसरा संस्करण 30 जून को शुरू होगा। इसके साथ ही 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाएगा। मरांडी ने आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यक्रम का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जल्द जारी किया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, कार्यक्रम तो रांची में होना है लेकिन हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है मोरहाबादी मैदान। अगर वो खाली रहेगा वो मिल जाएगा तो हम लोग मोरहाबादी मैदान को करेंगे, अगर वहां दिक्कत होगी तो फिर हम लोग दूसरे मैदान के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है जो तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद जो कि चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाने वाले हैं, अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अब करीब ही है, अब मुश्किल से समय आप कह सकते हैं 3 महीना है, उसी में सब कुछ लेना है तैयारी। एक तो आरोप पत्र बनाने की एक समिति हम लोगों ने गठित की है, फिर घोषणा पत्र समिति हम सब लोगों ने गठित घोषित किया और उसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने समिति तैयार किया है और उसके बाद टॉकिंग पॉइंट होता है भाषण के जो बिंदु होते हैं, हमारे जो लीडर आते हैं बाहर से या अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है निर्णय विषय, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में सब बटा हुआ है राज्य,
जैसे आप कोल्हान की जो समस्या है वो संथाल परगना में सूट नहीं करता है। संथाल परगना की समस्या है वो आपको पलामू में फिट नहीं बैठता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लिए एक टॉकिंग पॉइंट तैयार करना चाहिए। हमारे नेता भी जो आएंगे या फिर हमारे जो राज्य के भी नेता जो जाते हैं कुछ क्षेत्रों में क्या क्या बिंदु, उसके लिए भी हम सब लोगों ने कमेटी बनाई। कांग्रेस लंबे अरसे से बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन आपातकाल की याद दिलाकर बीजेपी के नेता कांग्रेस को उसकी करतूत की याद दिलाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।